है, लर्निंग व्हाइल यू आर अर्निंग, थैंक्स हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। जो लोग हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के ऑथराइज फेसबुक पेज के लिए सब्सक्राइब है, उसके ऊपर भी लाइव ये स्ट्रीमिंग चल रहा है, तो आप उसके ऊपर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर उसको भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं, ताकि आने वाले लाइव प्रोग्राम्स आप इसके ऊपर में देख सकें। आप सभी जानते हैं कि हमारे अलग अलग ब्रांड्स जो एक छत्ते के नीचे है, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन, देन आहार, न्यू स्टार एंड एम आई होम एंड इंडिया ग्रो, ये सभी ब्रांड्स हमारे एक छत्ते के नीचे है, आपके लिए इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आज हम हमारे इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट्स के बारे में आज हमारा ट्रेनिंग है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे साथ YouTube के साथ में जुड़े हैं, वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्यों एग्रीकल्चर का बिजनेस करना बहुत जरूरी है, ना कि लॉकडाउन पीरियड में ही, बट आने वाले कुछ दिनों में एग्रीकल्चर का बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहेंगे तो 68% इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में एग्रीकल्चर के सेक्टर के साथ में जुड़ी है। एक किसान भाइयों को अगर हम अपनी बिजनेस के लिए अगर हम कन्विंस करते हैं, तो अपना 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, एक साल में 3 सीजन, अगले 10 साल मतलब 30 सीजन के लिए अपना रीपर्चेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है कि आप किसे भी देख लो, इंटीरियर मार्केट तक आपको आपको अगर जाना है तो एग्रीकल्चर के अलावा कोई उपलब्धि आपके पास में नहीं है। कोई भी ये निश मार्केट है, ये बिल्कुल अनटच मार्केट है, यहाँ पर आपको कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कंपटीशन आपको नहीं मिलेगी। और हम जो सेगमेंट में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप में कंपेरेबल नहीं है, हमारे साथ किसी का कंपेरिजन नहीं हो सकता है। और हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसी कड़ी को दिखाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस इंडस्ट्री का हम दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री या फिर भारतवर्ष की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहते हैं, उसका भारतवर्ष का अगर सिर्फ पेस्टिसाइड का मार्केट अगर देखे, दवाइयों का अगर मार्केट देखे, तो 2,50,000 मिलियन $ एक मिलियन 10 लाख का होता है और एक $ जो है 70 रुपए का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है जिसमें आप एंटर करने जा रहे हैं, जो बिजनेस आपको करना है, इतने बड़े मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और आपके लिए ये पूरा का पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट ओपन है। जानना चाहेंगे कि केमिकल पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड, मतलब केमिकल के लिए और बायो पेस्टिसाइड जो हम आते हैं, वो 2018 के वर्ष का अगर हम देखेंगे तो 2,50,000 जो हमने फिगर पहले देखी थी, उसमें से 45% सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड है, केमिकल दवाएं हैं, और बायो पेस्टिसाइड, बायो दवाएं, ये 55% अपने लिए मार्केट ओपन है। तो कितना बड़ा मार्केट, मतलब आधे से ज्यादा मार्केट अपने लिए बायो पेस्टिसाइड के तौर पे अपने लिए मार्केट है, और कोई कंपटीशन अपने लिए नहीं है। अगर हम जानेंगे कि मार्केट का सिनारियो क्या है, इसमें कीड़ों के लिए दवाइयां कितनी जाती है, फफूंद के लिए कितनी जाती है, खरपतवार के लिए कितनी जाती है, और टॉनिक सेगमेंट कितना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसेक्टिसाइड 53% मार्केट शेयर है, फफूंद नाशक का 25% है, खरपतवार 18% है, और अदर्स जिसमें टॉनिक और केमिकल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आते हैं, वो 4% में आते हैं। हम लोग आज 53% पे है, और 25% मतलब अपने लिए आज करीबन 80% का मार्केट शेयर अपने लिए ओपन है जिसमें हम काम करते हैं। अगर आप जानेंगे कि यही सेगमेंट
अगर हम जोन वाइज अगर देखेंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो 2018 में 25% जो था वो नॉर्थ इंडिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ यूपी आता है, और यूपी आता है वो 25% है। 30% जो है साउथ इंडिया, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला आता है। 40% वेस्ट इंडिया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ एमपी आता है, वो 40% सबसे बड़ा बिजनेस इसी एरिया में आता है। 14% साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का पार्ट आता है, वो 14% आता है। और 2% जो है वो नॉर्थ ईस्ट, आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया में हमें 2% मार्केट शेयर मिलता है। तो आपको मेरा यही बताने का नजरिया था कि ऑल इंडिया कितना बड़ा है, उसके लिए आपका स्टेट कितना बड़ा है, आपकी राज्य में कौन से पौधे होते हैं, क्रॉप होती है, वो पार्क में आप कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस पाथ दिखाने का हमारा एक नजरिया था, तो आप इसी हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अब जानेंगे कि कितने प्रतिशत मेजर स्टेट्स में काम होता है। हमने जोन वाइज तो देख लिया, बट उस जोन में पर्टिकुलर स्टेट में कितना कितना मार्केट शेयर आपको दिखता है, तो करीबन हम 30% जो है आंध्र एंड तेलंगाना में का मार्केट है, 20% महाराष्ट्र में है, पंजाब में 16% है, एमपी, छत्तीसगढ़ 13% है, 11% कर्नाटका है एंड गुजरात में 10% है। ये मेजर शेयर होल्डर है इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट में, यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस होता है और आने वाले दिनों में इस एरिया में बिजनेस होने जा रहा है। अगर हम क्रॉप की बात करें कि किस क्रॉप में, किस पौधे में, किस प्रकार की खेती में ये बिजनेस बटा हुआ है, तो 40% ये बिजनेस कपास की खेती में होता है, जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना इसमें और तमिलनाडु इसमें किया जाता है। इसमें जनरली 40% होता है, 20% जो है वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है, 18% जो है वो चावल की खेती में होता है, सीरियल्स एंड पल्स दालें और गेहूं वगैरह की खेती में 7% होता है, और शुगर केन में 5% होता है। इस तरीके से आपके राज्य में कौन से क्रॉप होते हैं ये समझ के आपने अपना प्लान जरूर करना चाहिए। अपनी सभी दवाइये सभी क्रॉप्स में कारगर साबित होती है, काम करती है। अगेन हम वही सवाल पर आते हैं कि एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज इस COVID-19 की इसमें पीरियड में हमारी आज की प्राथमिकता जो है, आज की प्राथमिकता भोजन, स्वास्थ्य, विष मुक्त पौष्टिक भोजन है। दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए आज पूछ रही है और दुनिया की नजरें आज इस भोजन के लिए इंडिया के ऊपर में, भारत वर्ष के ऊपर में टिकी हुई है। आज का सबसे बड़ा और प्राथमिकता व्यवसाय जो है वो कृषि है। एग्रीकल्चर इज द प्रायोरिटी बिजनेस इन इंडिया नाउ इन द वर्ल्ड। सो एग्रीकल्चर में ध्यान देना आज सभी के लिए आवश्यक है और यही प्रायोरिटी का बिजनेस हो चुका है। एक बार हम सॉफ्टवेयर के साथ में नहीं जा सकते हैं, बट बिना खाना खाए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। किसान की आज की मांग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज चेंजेस आए हैं। किसानों की आज की मांग है कि आज उसे अपनी सेवाएं जो दरवाजे पर चाहिए और अपने उत्पाद उसको इजीली अवेलेबल होने चाहिए, दरवाजे के ऊपर में अवेलेबल होनी चाहिए, उसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी सेवा उसे हम इसी माध्यम से लॉकडाउन पीरियड में भी दे सके, ये किसानों की आज की मांग है। और उसमें यमाई लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। एक छत्ते के नीचे में ऐसी कोई कंपनी है जो एक छत्ते के नीचे में आज कृषि समाधानों को पूरा कर सकते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम इसको आज एक छत्ते के नीचे में कृषि समाधानों को पूरा करते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा इस लॉकडाउन के दौरान जो भी सरकारी नियमों का पालन करे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और घर से ही किसान भाइयों को खेती करने के लिए आप हेल्प करें, मदद करें।
यमा लाइफस्टाइल के एग्रो केयर का जो अम्ब्रेला है, जो छाता है, उसमें हम पीक संरक्षण या क्रॉप प्रोटेक्शन में सात प्रोडक्ट दे रहे हैं, और क्रॉप न्यूट्रिशन जो हमारे टॉनिक सेगमेंट है उसमें हम 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसे अपने इंडिया एग्रो में 10 प्रोडक्ट का पूरा प्रोविजन दिया है, जिसमें आप पूरे तरीके से खेती कर सकते हैं। अगले स्क्रीन में हम देखेंगे कि हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन में 7 प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें बीपीएच बस्टर, ट्रिपमाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भू अस्त्रा, जिसमें से हमने बीपीएच बस्टर को ट्रेनिंग में देख लिया है, ट्रिपमाइट को हमने देखा है, प्लांट एस्कॉर्ट को हमने देखा है, व्हाइट क्रश को हमने देखा है, फंगी कवच को हमने देखा है और भू अस्त्रा को हमने देखा है। आज हम सुनने जा रहे हैं वायरस, जो वायरस के लिए काम करेगा, और क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने देखा है ग्रो मैजिक, यमा स्प्रे और मॉडिफाई। हमने कल आपको दिखाया था कि ग्रो मैजिक और मॉडिफाई कितना कारगर साबित है। आज हम सुनेंगे यमा स्प्रे के बारे में, जो कि बहुत हमारा स्टार प्रोडक्ट है और इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या है हमारे प्रोडक्ट, कैसे है हमारे प्रोडक्ट, कैसे बने हैं, इन तीनों सवालों का जवाब यह है कि हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक दवाई है जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा एंसेंट नो हाउ है, जो हमारी पुस्तैनी नॉलेज है, उसी वृक्ष आयुर्वेदा के कंसेप्ट पर आधारित हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए ये दवाइयां बनाई है। हमारी दवाइयों में किसी भी प्रकार का कोई विष का अंश नहीं होता है, मतलब इसमें कोई पॉइजन के ट्रेसेस नहीं पाए जाते हैं। तो सवाल आता है कि ये दवाइयां अगर पॉइजनस नहीं है, इसमें कोई विष का अंश नहीं है, तो ये दवाइयां काम कैसे करती है, ये दवाइयां काम कैसे करती है। इस जवाब का सवाल का जवाब यह है कि यह 4-पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। ये दवाइयों से हम लोग सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये दवाइयां पिछली स्क्रीन पे हम फिर से देखेंगे कि ये दवाइयां कैसे काम करती है। 4-पॉइंट प्रोग्राम होता है। ये दवाइयां जब भी हम पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं, पौधों के ऊपर छिड़काव करने के बाद में कीड़े उस पौधे के ऊपर आते हैं, कुछ खाने की कोशिश करते हैं, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फूलों को, पत्तों को नुकसान करते हैं, अपनी जड़ों को, तनों को नुकसान करते हैं, तब कीड़ों के मुंह के अंदर से पेट में जो छिड़काव किया है पौधे का कुछ पार्ट जाता है। उसके बाद 4-पॉइंट प्रोग्राम कीड़े के ऊपर होता है। ध्यान से सुनिए, कीड़ा जब भी ये पौधे का कोई पार्ट खाता है, भाग खाता है, तो उसका मुंह इमीडिएटली चोकअप हो जाता है, मतलब उसके मैंडिबल्स चोक हो जाते हैं, गला उसका चोक हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है कि उसका नर्वल सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेन उसका, मगज उसका काम करना बंद कर देता है। तीसरा इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है कि उसकी पूरी बॉडी को पैरालिसिस का अटैक आता है, और चौथा उसके ऊपर अटैक ये होता है कि उसकी शरीर से डिहाइड्रेशन होके उसकी शरीर से कैल्शियम प्लस प्लस और सोडियम पानी बाहर निकल जाता है। इस तरीके से कीड़े का अंत छिड़काव होने के बाद 24 घंटे के अंतराल में खत्म हो जाता है। इसका मतलब आज सवेरे अगर हमने छिड़काव किया है तो दूसरे दिन सवेरे तक कीड़े का पूरा नामो निशान अपनी खेत से मिट जाता है। इस तरीके से अपनी दवाइयां आपकी खेती के ऊपर में कीड़ों के अगेंस्ट में काम करती है। ये बाय डेफिनेशन किसी भी प्रकार से पेस्टिसाइड नहीं है। ये दवाइयां अपनी पौधों का संरक्षण करने के लिए डेफिनेशन है। हम इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर है, ताकि पौधा अपने आप का संरक्षण कर सके। हमारी दवाइयां हम अगली इसमें देखेंगे। हमारी दवाइयां एनपीओपी सर्टिफिकेशन है, जो भारतवर्ष का सबसे सर्वोच्च ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, जिसे बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सर्टिफिकेशन। और दूसरा है आईफोम सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमें काम आ सकता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन। भारत वर्ष का सर्वोच्च सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल सर्वोच्च सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। ऐसे दोनों सर्टिफिकेशन रहने वाली एकमात्र कंपनी जो यमा लाइफस्टाइल इंडिया एग्रो ब्रांड के अंडर में आता है। भाई इंडिया एग्रो ब्रांड, ये नाम कैसे रखा गया होगा?
इंडिया एग्रो ब्रांड ऐसे रखा गया था कि ये इंडिया को सबसे पहला एग्रो का ब्रांड है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में काम करता है, इसलिए इंडिया एग्रो, ये इंडिया का पहला एग्रो है या फिर इंडिया का एग्रीकल्चर है जो कि आज की डिमांड है, इसके लिए हम इसका इंडिया एग्रो जो नाम सटीक हमने इसका रखा है जो आज इंडिया की जरूरत है। अगर हम देखेंगे कि आज जो हमने ये ट्रेनिंग रखी है, आज हमारा चौथा दिन है और आखिरी दिन है, मैनेजमेंट अगर चाहेगी तो इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आज ये एग्रीकल्चर का जो ट्रेनिंग हमने रखा है ये कितना सटीक और सही समय पे रखा है ये आप जानिए। मई के महीने में हम है, शुरुआती पहले वीक में है। आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वहां की खेती आज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर हर खेती में आज भू अस्त्र की जरूरत है, आज वहां पर ग्रो मैजिक की जरूरत है जो जमीन में पहले खाद के साथ मिला के देना है। आने वाले जून में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका का कुछ पार्ट, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला का बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पूरे सब्जियों की किस्में, ओनियन, पूरे फ्रूट्स, वेजिटेबल, देन चावल, कपास, सोयाबीन, दालें, इन सब की खेती होने वाली है। ये सभी खेत आज तैयार हो रहे हैं, ये सभी क्रॉप्स हमें वो किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट बताने हैं, उसे इस्तेमाल करने के लिए बताना है, किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है ये हमें बताना है, इसके लिए सही समय पर ये ट्रेनिंग का प्रोविजन किया गया है। वंस अगेन थैंक यू यमाई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आने वाले जुलाई में हम लोग पहले स्क्रीन पे देखेंगे, आने वाले जुलाई में हम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर में हम ये देखेंगे कि जुलाई में ये बिजनेस होने जा रहा है, वहां पर भी प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी और किसान भाइयों तक हमारा नॉलेज पहुंचाना जो आज किसान भाइयों की डिमांड है। ऑनलाइन भी हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से इन्हें ये प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हें नॉलेज दे सकते हैं, तो कितने सही समय पर ये ट्रेनिंग हमारा अरेंज किया गया है। आज के पहले प्रोडक्ट के ऊपर हम जाते हैं जिसका नाम है यमाई स्प्रे। यमाई स्प्रे आज बताने की जरूरत नहीं है, जो यमाई लाइफस्टाइल का बिजनेस एसोसिएट बनता है, जो हमारे फैमिली का मेंबर बनता है, वो जैसे नैनी फाइव को जानता है वैसे ही यमाई स्प्रे को जानता है। ये इंडिया एग्रो का स्टार प्रोडक्ट, परफॉर्मर प्रोडक्ट है जो आज इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर में बेचा जाता है। क्यों ये स्पेशल है, क्यों ये हमने आखिरी के दिन रखा है, क्योंकि इसके बिना खेती करना आज असंभव हो गया है। किसान भाई जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है वो इसे चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं, इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। क्या है ये एक एडजुवेंट का काम करता है। एडजुवेंट का क्या मतलब होता है, ये पेस्टिसाइड दवाइयों को जो स्प्रे पंप में हम डालते हैं, पंप में है डालते हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, उसको सही मायने में पानी में मिलाने का काम करता है, ये सोल्युबिलिटी का काम करता है, कॉम्पेटेबिलिटी का। अगर हम एक ही पंप में खाद और एक ही पंप में दवाइयां और फफूंद नाशक अगर एक साथ मिला के दे रहे हैं तब भी ये कॉम्पेटेबिलिटी बना के रखता है, फोमिंग बनाता है, ये एक झाग बनाता है और सही तरीके से अपनी दवाइयों को मिक्स करता है। ये अगर सोल्यूबल लिक्विड हो या फिर ऑयल बेस्ड दवाइयां हो, इसका सही मायने में आपकी पानी में सस्पेंशन बनाता है ताकि तेल जन्य पदार्थ ऊपर ना रहते हुए वो पानी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। सरफेस टेंशन, जहां पर हम ये छिड़काव करते हैं वहां पर आपकी पत्तों के ऊपर एक सरफेस टेंशन होता है, उसको कम करते हुए दवाइयों को या खाद को आपकी पत्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर चिपकाने का काम यमाई स्प्रे करता है। आपकी ड्रॉपलेट का साइज
मतलब जब आप स्प्रे करते हैं, जब आप छिड़काव करते हैं आपकी स्प्रे पंप से, तो आपकी बूंद जो स्प्रे पंप से नोजल से निकलती है वो ड्रॉपलेट को साइज को कम करने का काम अपना यमाई स्प्रे करता है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब है दवाइयों को आपकी पौधे के ऊपर से नीचे ना गिरने देना, ताकि आपकी दवाइयों का सही इस्तेमाल हो, यूज हो, वो आपकी पौधों के अंदर जाने के लिए मदद करता है, पेनिट्रेशन के लिए मदद करता है। ऊपर की सतह को अगर पत्ते के ऊपर में स्प्रे हुआ है तो पत्ते के नीचे की सतह तक ले जाने का काम यमाई स्प्रे करता है। वोलेटलाइजेशन, इसका मीनिंग यह है कि जब भी आप यमाई स्प्रे, आप कोई भी दवाइया, कोई भी खाद में या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड खरपतवार में आप जब डालते हैं, तब वो दवाइयों को हवा के साथ में, धूप के साथ में, हवा में उड़ जाने के लिए, ताकि वो के कारण कवरेज, अगर एक जगह पे आपका स्प्रे हुआ है तो पूरी पौधे के ऊपर में फैलाने का काम ये यमाई स्प्रे करता है। एडरेंस, चिपकाने का काम, ये चिपको करके भी काम करता है, ये आपकी दवाइयों को अच्छी तरीके से चिपकाता है, पूरे पौधे के ऊपर में चिपकाता है। कोई भी खाद को अगर दवाइयों को पौधे के अंदर ले जाने का काम करता है। बारिश के दिनों में इसका सहज महत्व आपको प्राप्त होता है कि कंटिन्यू बारिश जब होती है, बारिश में कोई भी अंतराल जब नहीं होता है, तो अगर आपको एक या दो घंटे का अगर आपको समय मिलता है तो आप दवाइयों का छिड़काव, खाद का छिड़काव आप आपकी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ दो घंटे में आपकी दवाइयों को या आपकी खाद को अंदर ले जाने का काम आपका यमाई स्प्रे करता है। आपने देखा कि हम 8 से 10 अपने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। अगर मार्केट में इस तरह की दवाइयां बहुत सारी है, वो सिर्फ दवाइयों को चिपकाने का काम करते हैं या फैलाने का काम करते हैं या पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, बट हम हमारी दवाइयां जब भी हम यमाई स्प्रे किसी भी दवाइयों के साथ में या खाद के साथ में मिलाते हैं, तो हम दवाइयों का असर दुगना करते हैं। मतलब दवाइयां अगर 7 दिन के लिए आपको रिजल्ट दे रही है, तो यमाई स्प्रे मिलाने के बाद में वो 15 से 16 दिन का रिजल्ट आपको दे सकती है। खाद की जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इफिकेसी, उसकी पावर दुगना करने का काम करता है। जब दो दवाइयां, दो खाद, दो फफूंदनाशक या फिर 2-3 चीजें मिला के स्प्रे पंप में या पानी में घोल बनता है, तो दोनों की केमिस्ट्री को, तीनों चारों दवाइयों की केमिस्ट्री को अलग अलग रखता है, ताकि हरेक खाद का, खरपतवार का, दवाइयों का मिला जुला असर आपको आपकी पौधे के ऊपर मिलता रहे। पर्टिकुलरली जहां पर खरपतवार का इस्तेमाल होता है, आपकी तनों को मारने के लिए जब खरपतवार को मारने के लिए जब इस्तेमाल होता है, तो यमाई स्प्रे स्पेशली आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खरपतवार दुगनी तेजी से आपकी खरपतवार को खत्म कर सकता है, वीड्स को खत्म कर सकता है, तन को खत्म कर सकता है। ये हर खरपतवार क्या दोस्त बन सकता है, आप समझ सकते हैं। जब भी किसान भाई आप स्प्रे करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, खाद का छिड़काव करने के लिए स्प्रे पंप उठाता है, तब तब आप यमाई स्प्रे उस किसान भाइयों को जरूरतमंद होता है। इसका मतलब हर किसान की कपाट में, अपनी घर में, अपनी जेब में यमाई स्प्रे होना बहुत ही जरूरी है। इसके सिवा कोई खेती आज कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये आज हमारा एक्सपीरियंस है, और आज ये आपको सभी किसान भाइयों को इसके फायदे आपको बताने हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और यूनिक प्रोडक्ट के साथ में ये किसान भाइयों का दवाई का खर्चा, खाद का खर्चा कम करता है, आधे में करता है, क्योंकि ये रिजल्ट दुगना करता है। हम अगली स्लाइड में देखेंगे इसके और फायदे क्या हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट ये सर्फेक्टेंट, ये स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट का भी काम करता है, ये पेनिट्रेटर का, दवाई को अंदर ले जाने का काम करता है, वाटर कंडीशनिंग एजेंट का काम करता है,
ये वाटर कंडीशनिंग एजेंट ये होता है कि अगर आपका पानी खारा है, मीठा है या जो भी है, उसको कंडीशनिंग करने का, नॉर्मल बनाने का काम ये करता है। ह्यूमिकेशंस का काम करता है। अगर झाग बनाने का काम है या गैस बनाने का अगर आपका दवाई है, तो वो गैस को पूरे पौधे की सतह को रखने का काम करता है, दवाई को डिपॉजिट रखने का काम करता है, दवाई नीचे ना करने का काम करता है, बफरिंग एजेंट का काम करता है, एसिडिफायर्स का काम करता है, आपकी पौधे के अंदर में एसिडिक एजेंट्स का काम बढ़ाने का काम करता है, ताकि कीड़ों का, फफूंद का जब भी कोई एजेंट आपकी पौधों के ऊपर में आता है तो अल्कलॉइड बढ़ाने का काम करता है, सिग्नलिंग करने का काम करता है। ये आपके दवाइयों का, खाद का डिग्रेडेशन कम करने का काम करता है। अगर हमने सुबह 7 बजे अगर कोई दवाई का घोल बनाया है, जब हम तब हम छिड़काव कर रहे हैं, अगर वही घोल हम 12 बजे मतलब 6 घंटे के बाद में अगर वही घोल हम इस्तेमाल करके छिड़काव के लिए कर रहे हैं, तो जो 7 बजे का रिजल्ट है वो 12 बजे आपको कतई नहीं मिलता है। अगर वही घोल में 7 बजे जब दवाई का घोल बनाया गया है, तब अगर आप यमाई स्प्रे अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 12 बजे भी इसी तरीके से परिणामकारक या असरदार दवाइयों का रिजल्ट आपको 12 बजे भी मिलता है। ये भी मिरेकुलस रिजल्ट यमाई स्प्रे आपको देता है। जब आप यमाई स्प्रे आपकी दवाइयों में, आपकी खेती में छिड़काव करता है, तो आपकी खेती में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। मधुमक्खी किसान भाइयों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि जिस खेत में मधुमक्खियां होती है उस खेत में आपको ज्यादा फूल लगते हैं, ज्यादा फलों की मात्रा होती है, क्योंकि फूलों का फलों में कन्वर्शन बहुत ज्यादा होता है। और यमाई स्प्रे आपकी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जिस खेत में यमाई स्प्रे का छिड़काव होता है, या फिर हर छिड़काव में यमाई स्प्रे का इस्तेमाल होता है, वहां पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। और ऐसी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिलने वाली सबसे एकमात्र दवाई है जिसका नाम है यमाई स्प्रे। आगे की स्क्रीन में हम बढ़ते हैं कि हमारा डोजेस क्या होना चाहिए, यमाई स्प्रे का डोज क्या हमारा होना चाहिए। तो हम, मैं आपको बता दूं कि ये यमाई स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड या मतलब दवाइयां, फंगिसाइड या फिर फोलियर फर्टिलाइजर में 15 लीटर पानी में आपको 3 से 5 ml डालना है, मतलब 3 लीटर पानी के पीछे में 1 ml इस हिसाब से डालना है। पावर स्प्रे में अगर आप जा रहे हो तो डोज आपको दुगुना करना पड़ेगा। अगर आप खरपतवार के साथ अगर आप इसको मिलाने जा रहे हैं, तो 1 लीटर हिसाब से या फिर 1 बूंद इस हिसाब से आपने खरपतवार के लिए करना है। इरिगेशन सिस्टम मतलब टपकन सिस्टम के लिए, या फिर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी में जब खाद मिला के आप दे रहे हैं, तो 1 एकड़ में आपको 200 ml का इस्तेमाल करना है। अलग अलग दवाइयां, दवाइयों के साथ में अलग अलग इसके डोज हो सकते हैं। जब भी आपको इसका कुछ कंपेरिजन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कस्टमर केयर के साथ में इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अकृषि मतलब जिसका कृषि के साथ में कोई संबंध नहीं, ऐसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपके यमाई स्प्रे के हैं, जो कि आज हमें कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते हैं। फीचर बेनिफिट इसके क्या है वो मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। है वायरस के ऊपर में,
वायरस नाम के तरह ही आपको दिखेगा कि ये प्लांट के ऊपर में, पौधे के ऊपर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, आज हम सभी लोग वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में जा रहे हैं। ये COVID-19 भी एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस अपने आप में कोई जान नहीं होती है, उसमें वायरस में अपने आप कोई जान नहीं होती है। तो ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? वायरस अपने आप कहीं पर भी ट्रांसमिट मतलब जा नहीं सकते हैं। जब तक इसे कोई ले जाने वाला आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको कोई भी वायरस, प्लांट के ऊपर आने वाले जो वायरस होते हैं, वो एक पौधे के ऊपर से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता है। तो ये वायरस के वेक्टर कौन होते हैं? जैसे हमें COVID-19 में भी बोला गया था कि आप एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखे। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर दूसरे आदमी से मिलता है, शेक हैंड करता है या फिर खांसता है या छींकता है, तो उसकी छींक से वो वायरस दूसरे आदमी को लग सकता है। इसी तरीके से पौधे के ऊपर वाला वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर में कीड़ों की शरीर के ऊपर से ट्रांसमिट होता है। जैसे हमने पहले बताया कि सफेद मक्खी, उसके लिए हमने व्हाइट क्रश इस्तेमाल करते हैं। थ्रिप्स एंड माइट्स, मतलब उसके लिए हम ट्रिप माइट इस्तेमाल करते हैं, जो फूल और फलों के वक्त आते हैं। या फिर मावा तुड़तुड़े या फिर एफिड्स एंड जैसिड्स, ये जब आपकी खेत के ऊपर आते हैं, मतलब रस चूसने वाले कीड़े आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर जब आते हैं, तो वो वायरस को आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर ले जाते हैं। जब भी वायरस एक पौधे पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाता है, तब आपको ये पता चलता है कि वायरस पहले जिस जगह पे गिरा हुआ है, उस जगह पे पहले अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में छोटा सा पीला दाग वहां पर दिखेगा। जब पीला दाग दिखेगा, तभी आपने समझ लेना चाहिए कि पत्तों के ऊपर में दाग, पीला दाग हो गया, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन आपका शुरू हो गया है। वायरल इन्फेक्शन आपका अगर शुरू हो गया है, तब आपने वायरस का इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है, अगली स्लाइड में देखेंगे ये क्या करता है। वायरस जब आपके पौधों के ऊपर छिड़काव होता है, तो आप देखना है कि पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ना कोई वायरस नहीं होता है। तो वायरस अगर कैसे पहचाना जाए, तो एक मैं आपको बताता हूं कि पत्ते जब पीले पड़ते हैं, अगर आपने देखा कि पत्तों में नसें होती है, ग्रीन कलर की नसें होती है, तो ये ग्रीन कलर की नसें जब आपकी पीली पड़ती है, हरी नसें जब आपकी पीली पड़ती है, तब वायरस का अटैक आपकी पौधों के ऊपर होता है। बट बाकी पत्ता आपका हरा रहता है, बट नसें पीली पड़ती है। आप समझने की कोशिश करें, पत्ते पीले पड़ना, हर पत्ता पीला पड़ा हुआ वायरस का पत्ता नहीं होता। पत्ते में जब नसें हरे कलर से अगर पीली हो जाए, तो वहां पर वायरस का अटैक होता है। और पत्ते जो पीले होते हैं, अगर नसे हरी है और बाकी का पत्ता अगर पीला होता है, तो वो वायरस नहीं है, वो किसी खाद का या सूक्ष्म अन्य द्रव्यों का अटैक हो सकता है, या फिर कमी के कारण ये हो सकता है। तो आप वायरस का पत्ता जानना बहुत जरूरी है। वायरस के ऊपर में, वायरस जिस पत्ते के ऊपर में आया है, जब आप छिड़काव करते हैं, तो जो दाग, जो नसें पीली पड़ी हुई है, वो नसों को वहीं पर रोकथाम करता है, और वो वायरस को, हॉस्टेरिया को, दूसरी तरफ नहीं बढ़ने देता है। और ये बढ़ने के लिए पौधे का अंदरूनी शक्ति को, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अंदरूनी शक्ति इस तरीके से बढ़ता है कि पौधा अपने आप अपने वायरस के साथ में फाइट करता है, और उससे वो बाहर निकलता है, और उस वायरस को कभी भी आपकी पौधे की तरफ से कोई अन्य द्रव्य या फिर खाना नहीं मिलने के कारण वायरस वही मर जाता है। जो पीला दाग आपके पत्तों के ऊपर पड़ा है, तो वो वायरस का दाग 2 या 3 दिनों में अगर खाना नहीं मिलता है, तो 72 घंटों के बाद में वो ब्राउन कलर का या कथिया कलर का होता है, और वो पत्ता नीचे गिर जाता है। कुछ चीजें मैंने आपके सामने बताई है। पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर है
टोमेटो का, टोमेटो में जो वायरस आता है वो वायरस, मिर्ची के ऊपर में जो वायरस आता है वो दिख रहा है, ककड़ी या लौकी या तुरई में जो वायरस आता है वो वायरस तीसरे इसमें दिख रहा है, चौथे इसमें आपको वायरस दिख रहा है, जो टोबैको का तंबाकू का पान है उसमें दिख रहा है, नीचे वाला पत्ता आपको भिंडी का दिख रहा है तो भिंडी में भी ये वायरस बहुत जबरदस्त आता है, उसके बाजू वाला इसमें आपको पपया दिख रहा है उसमें भी वो वायरस बहुत आता है, अंगूर में ये वायरस आता है, वायरस हर प्रकार की सब्जियों में हर प्रकार के फलों के इसमें आता है। आपको ये अगर वायरस कंट्रोल करना है तो वायरस की छिड़काव के साथ में आपको रस शोषण करने वाले जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उसके साथ में आपको वायरस का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी वायरस के साथ में कीड़ों की भी रोकथाम हो। इसका मतलब वायरस जब आपके खेत में आता है तब आपको व्हाइट क्रश के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रिपमाइट के साथ में वायरस का इस्तेमाल करना है, और आपको इसके साथ में निश्चित रूप से यमाई स्प्रे का भी इस्तेमाल करना है और आपको इसको छिड़काव करना है। वायरस जब आता है तो 8 दिन के अंतराल में आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि आपका पौधा नया जो पत्ता निकल रहा है वो पत्ते में वायरस का कोई इन्फेक्शन आपको ना दिखे और आपके पौधा अच्छी तरीके से आपको उपज दे पाए। ऐसा एकमात्र मार्केट में प्रोडक्ट है जो वायरस के ऊपर में काम करता है। ये वायरस आपके पौधों के ऊपर कब लगता है? आपके पौधे के ऊपर में जब फूल लगने की अवस्था होती है किसी भी सब्जियों में या फलों में, तब ये वायरस आपकी प्लांट्स के ऊपर में, पौधों के ऊपर में अटैक करता है। उसी समय आपको इसको किसी भी कीटनाशक के साथ में मिला के इसको दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिपमाइट हो गया, जैसे कि व्हाइट क्रश हो गया, इसमें मिला के आपको वायरस देना है। इसमें साथ में अगर ग्रो मैजिक अगर आप मिलाते हैं तो इससे कई गुना रिजल्ट आपके बढ़ जाते हैं और आपकी खेती में कभी वायरस नहीं आएगा, 100% आप वायरस के अगेंस्ट में गारंटी ले सकते हैं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आज की डेट में वायरस के लिए इंडिया में 1,00,000 करोड़ का मार्केट है, तो हर सब्जी उगाने वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो गांव है, जिस खेती में सब्जियां फलों की खेती होती है, वहां वहां वायरस का अटैक निश्चित रूप से होता है। हर इंडिया में हर अगस्त महीने से इस वायरस का अटैक हर क्रॉप के ऊपर में, पौधे के ऊपर में होता है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इस नंबर को एक बार नोट डाउन कर ले, ताकि आपको भविष्य में जब भी आपको कोई सवाल हो, जब भी आपको कोई जवाब चाहिए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनके उस नंबर के ऊपर में टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। इसके ऊपर में कॉल करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए, कोई जवाब आपको इसके ऊपर में नहीं मिलेगा कॉल का। एक बार नंबर नोट डाउन करें, 7499567710। इंग्लिश में बताना चाहूंगा 7499567710। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसके ऊपर में कॉल ना करें, इसके ऊपर सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। कल 4 दिनों में हमने तकरीबन कस्टमर केयर पे 10,000 के ऊपर में सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। 24 घंटे में आपको जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, बट अभी कुछ डिले होने के कारण 1 या 2 दिनों में आपको जवाब जरूर मिलेगा, और जब भी आपको जरूरत रहे ये हम आपको कस्टमर केयर की तरफ से 24 घंटा 365 डेज सर्विसेज देने